नमस्ते, आप सबके बीच मैं वापस आ पहुँचा हूँ अपने YouTube चैनल जेके राज व्लॉग्स। तो आज आपको एक बात करनी थी जो मैं कल कहूँगा। तो देखिए गाइस, अगर आप कोई कार्य करते हो तो कार्य को मद्देनजर रखते हुए जो आपका मेन लक्ष्य है उस कार्य को साधिए। और आप ये सोचिए कि मुझे ये काम 90% 100% करना है और मैं इस कार्य को नहीं छोड़ सकता। वो कई बंदे, जैसे मैं YouTube पर वीडियो बनाता हूँ और Instagram पर रील डालता हूँ, तो कोई मेरे को बोलता है क्यों डाल रहा है, नीचे क्या होने वाला है। अभी देखो, एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और कई के ऐसे बंदे होते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा कोई मतलब स्थिति ऐसी आ जाती है तो वो छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। मेरी भी कुछ मजबूरी रही होगी, वो क्या रही हो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कोई मेरा रीज़न था जिसकी वजह से मैंने वो पढ़ाई को छोड़ दिया। और अब ई मित्र की वैसे तो दुकान है मेरे, इससे काम थोड़ा वगैरह ना हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि साइड में अगर अपन यूट्यूब या फेसबुक पेज होते हैं वो बनाकर अगर कार्य करें, उससे क्या मिलने वाला है। मेन चीज़ क्या होती है, अर्निंग मतलब पैसा कमाना। नौकरी से अभी आदमी पैसा कमा रहा है, धंधा करके भी पैसा कमा रहा है, वीडियो बनाना जो बनाता है उससे पैसा कमा रहा है। मेन मोटिवेशन हमारा ये जाता है कि पैसा बनाना है, कैसे बना पैसे। आपको ऐसे नहीं बनाना है कि आपको दो नंबर के धंधे में उतर जाओ, डोडा बेचो, अमल बेचो, बिल्कुल गलत है। हमको दो नंबर का धंधा वगैरह नहीं करना है, मेहनत करनी है, अपनी काबिलियत को लोगों के सामने लाना है। तो ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं कि अपन अगर अपन कुछ धंधा नहीं करें तब अपने दिल और दिमाग के अंदर रुक जा, दिल और दिमाग के अंदर अपने ये आ जाता है कि अपन मतलब क्या करेंगे, धंधा नहीं है। जब किसी के पास धंधा नहीं होता है वो फालतू बैठता है, उसके दिमाग के अंदर सोच वाला मैं कुछ दो नंबर का धंधा कर दूँ, चोरी कर दूँ, तो मतलब हजार ख्याल आते हैं। अगर एक भी काम में अगर वो घुस जाता तो उसकी वो सोच होती है वो फिर ख़त्म हो जाती है। वो सोचता है कि अब मैंने जो छोटा कार्य किया इसको बड़ा कैसे करना है। जब वो खाली नहीं होता तो खाली होता है तो उसके दिमाग में चलता रहता है ये करूँ वो करूँ वो करूँ, तो उसको मेन चीज़ कुछ भी नहीं रहता कि मैं अब मतलब कौन सा कार्य करूँ। तो आपका दिल और दिमाग जो कहता है कि भाई मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है। हालांकि कई लोग पढ़ाई करते हैं जिनको पढ़ाई अच्छी लगती है वो पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन आपकी ऐसी हालात है कि आपने लाइफ को थोड़ा मतलब राउंड टाइप घुमा दिया है, आपने एजुकेशन को इतना इंटरेस्ट आपने नहीं लिया, कुछ छोड़ दिया है, तो कुछ तो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने यार एजुकेशन छोड़ दी अब मेरा क्या होगा। अपनी धंधा भी कर सकते हो, कुछ व्यापार भी कर सकते हो, कुछ बिजनेस भी कर सकते हो, सब कुछ होता है। लेकिन आदमी अगर कुछ सोचता है या वो जो करना चाहता है तभी होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। मेरी थिंकिंग है ये कहती है अगर आप कुछ करते नहीं हो तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। और अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है कि गरीब के घर पैदा होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन गरीब ही रहकर मरना ये गलत है। तो मेरा थिंकिंग ये है कि कुछ भी करके अपने को पैसा बनाना है और अपनी हर जगह मतलब मान सम्मान रखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो ईमानदार होना पड़ेगा और व्यवहार भी आपका एकदम सटीक होना चाहिए, जिससे कोई लोग आपको ये ना कह सके कि ये
मुझे तो उसके अंदर होनी चाहिए मुख्य रूप से। और एक बात, अगर आपको लक्ष्य छानते हो तो उसको निशाना बनाकर उसका सामना कीजिए। और मुश्किलें तो बहुत आती हैं। पहली बात, मैंने जब ये YouTube चैनल स्टार्ट किया तब मैं सोचता था कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, कैसे बनेंगे। और फिर सोचा तो लगभग 2 साल बाद मेरा यूट्यूब चैनल था वो मोनेटाइज तो हो गया था, लेकिन मैंने उसके ऊपर काम करना मतलब डाले भी नहीं थे मैंने वीडियो। लेकिन अभी लगभग 2 महीने हुए मैंने थोड़ा धीरे धीरे वीडियो डाल पाता हूँ। मैंने सोच लिया कि अपन को ये काम करना है तो करना है। आप मेरा यही थिंकिंग है, अगर आप जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे आपकी लाइफ कुछ नहीं है। आपके पास मनी नहीं है अब कुछ भी काम करने मेन रूप से बात की आप नहीं चलने वाला पैसा ही करने वाला। इम्पोर्टेंट लाइफ मनी, मनी गुड लाइफ एंड योर लाइफ।